हेलो वेलकम गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सरल और आसान तरीके से कि आप अपस्टॉक्स ऐप को कैसे यूज कर सकते हो। अपस्टॉक्स ऐप को चलाना मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसकी बेसिक चीजें मैं आपको बता दूंगा और अगर कुछ भी और छूटता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने अपस्टॉक्स ऐप्स को ओपन करा, अपस्टॉक्स ऐप ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है इस ऐप का, जहाँ पे मुझे नीचे की साइड में मैं आपको बेसिकली एक सिंपल तरीके जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि अपस्टॉक्स ऐप में क्या होता है। नीचे की अगर यहाँ के ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड एक पोर्टफोलियो का, फर्स्ट फंड का, इन्वेस्ट का, यानी पांच ऑप्शन नीचे आपको मिलते हैं। वॉच लिस्ट में वो होता है जहाँ पे आप मार्केट को वॉच करते हो, ऑर्डर में वो होता है जिस पे आपने पोजीशन ली होती है, जिस चीज को ऑर्डर दिया होता है, और आपकी जो पोजीशन हो, और पोर्टफोलियो में होता है कि आपने जो जो स्टॉक्स या इक्विटी जो बाई कर रखी है वो आपको पोर्टफोलियो में लिखती है। फंड में आपके पास में जितना बैंक अकाउंट से फंड, यानी कि अपने डीमैट अकाउंट में जितना फंड होता है के अकाउंट में जितना फंड होता है वो उस अकाउंट में दिखता है। इन्वेस्ट के अंदर कि आप अपने आईपीओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऑर्डर के अंदर आपकी जो पोजीशन लगी होती है, ओपन ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर सब इसके अंदर दिखता है। तो नीचे के चार ऑप्शन मैंने, पांच ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब मैं यहाँ पे ऊपर की बात करते हैं वॉच लिस्ट के अंदर, तो वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको एक अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करने का मौका मिलता है, यानी कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है। अगर आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट का नाम रख सकते हो, तो यहाँ पे सेव कर दे तो आपकी एक वॉच लिस्ट, न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और इस न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट कर दी है मैंने वाई वाई के नाम से, और मुझे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ भी शेयर को मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं टाटा मोटर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने टाटा मोटर्स को ऐड कर चुका है। मैंने टाटा डीबीआई को, टाटा स्टील को, टाटा स्टील्स को, सभी मैं टाटा के शेयर को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरी सारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो आपने देखा है उससे ऊपर ऑप्शन मिलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, यानी कि जो इंडेक्स होते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी, वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। अगर आप यहाँ पे सेंसेक्स को ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेंसेक्स को देख सकते हो, तो यहाँ पे सेंसेक्स आ जाएगा। और बैंक निफ्टी को देखना चाहते हो, बैंक निफ्टी को देख सकते हो। तो इस पे इसकी पोजिशन में क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो हम ए टू जेड प्राइस, लो प्राइस या हाई प्राइस, यहाँ पे इसके हिसाब से आप चेंजिंग कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप इस पे क्लिक करने के बाद जो जो शेयर ज्यादा प्राइस के होंगे, लो प्राइस के सबसे ऊपर दिखने लग जाएंगे आपको, उसके हिसाब से सेटल कर सकते हो। और प्लस में तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, कैश में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, सभी के तरीके से आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो। और क्वेश्चन मार्क के अंदर आप हेल्प एंड सपोर्ट का यूज कर सकते हो अपस्टॉक्स की। तो ये चार नीचे की पांच चीजें बता दी, मैंने ऊपर के ऑप्शन बता दिए। अब यहाँ पे बारी आती है साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको एक अपनी आईडी मिल जाती है, जिनमें नाम लिख जाता है, मेरी आईडी मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हो। अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप अनाउंसमेंट कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन आपके इतने काम के नहीं है। और ये देख सकते हो यहाँ पे आपको एक्टिव एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि इस तरीके यहाँ से आप अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो ऑप्शन होता है ना बैंक निफ्टी निफ्टी में वर्किंग करने के लिए, कम्युनिटीज में वर्किंग करने के, उसको यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। अपडेट फाइनेंशियल डिटेल्स, यहाँ पे अपने फाइनेंशियल डिटेल्स को आप अपडेट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। यहाँ और इसके अंदर नीचे आपको यहाँ पे जाना है, इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे नीचे जाना है, आपको हेल्प एंड सपोर्ट का और प्राइस अलर्ट का। प्राइस अलर्ट अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, प्राइस अलर्ट ये होती है कि अगर कोई सा भी स्टॉक्स या प्राइस को प्राइस अलर्ट में सेट करते हो, तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टाटा मोटर्स मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने प्राइस अलर्ट सेट करा। प्राइस अलर्ट में 44 यानी कि टाटा मोटर की प्राइस चल रही है। इंटर द वैल्यू यानी कि मैं 44447 पे, यानी कि 47 पे जाएगा तो मुझे ये अलर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन में लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पे सेट अलर्ट पे कर देना है, तो जैसे टाटा मोटर 446 पे जाएगा तो मुझे ये नोटिफिकेशन कर देगा कि हाँ टाटा मोटर इस पे चला गया, तो आप अपनी पोजीशन को ले सकते हो। देख सकते हो मेरा प्राइस अलर्ट सेट हो चुका है। तो इस तरीके से प्राइस अलर्ट काम करता है, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ के इसके अंदर। देख सकते हो डार्क मोड, यानी कि आप अपने अपस्टॉक को चाहे तो डार्क मोड में कन्वर्ट कर दोगे तो डार्क मोड में बन जाएगा, डार्क मोड में। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है, सेटिंग्स के अंदर अगर मैं जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, अपने पासवर्ड को चेंज करना, अपनी लैंग्वेज को चेंज करना, तो ये चीजें बेसिक चीजें मिलती है। तो यहाँ पे मैंने अपस्टॉक से सारी चीजें बता दी कि क्या क्या काम होता है बस अपस्टॉक्स के अंदर। और अगली वीडियो में मैं आपको इसमें लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा और कुछ प्रॉफिट वगैरह निकाल के दिखाऊंगा और शेयर को बाय करके सेल करके सब कुछ बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। और अपस्टॉक्स ऐप के अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उससे आप अकाउंट को क्रिएट कर लेना। तो वीडियो लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।